टाइम मीडिया से मैं प्रदीप वर्मा। प्रदेश के हापुड़ में महिला वकील की पिटाई, लाठीचार्ज। आज 75 जिलों में वकीलों का गदर। आप देख सकते हैं साहगंज तहसील में भी आज वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं क्या है मामला। आज जौनपुर जनपद के साहगंज तहसील में धरना प्रदर्शन है, क्यों? हापुड़ में जो अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार हो रहा है, महिला अधिवक्ता मारी गई हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, और ये कि गाजियाबाद में हत्या हुई है मनोज चौधरी, और यहाँ दिवानी में भी किसी अधिवक्ता कोई यादव अधिवक्ता है, नाम नहीं पता है, उनके ऊपर हम जानते हैं। मामला बार काउंसिल का आह्वान है, 4, 5, 6 जबरदस्त शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसी परिवेश में हापुड़ में पुलिस और महिला वकील के साथ वाद विवाद हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में लगभग 75 जिलों में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर 3 दिन में न्याय मिला तो क्या आगे भी आपका अभियान जारी रहेगा? आगे की रणनीति तो बार काउंसिल है, हमारे अध्यक्ष महामंत्री जो कहेंगे आगे तय होगा, अभी रणनीति क्या बताया जाएगा आगे क्या होगा। अब देख रहे हैं धरना प्रदर्शन जारी है और 3 दिन तक 4, 5, 6 तारीख तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं बात कर रहा था एडवोकेट क्या नाम है, राजीव कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह एडवोकेट, तहसील सागर जनपद जौनपुर। राजीव सिंह उर्फ डब्लू सिंह एडवोकेट जो सागर तहसील में है, उनसे अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसा मेरा समिति संगठन तय करेगा उसी हिसाब से जो आदेश आएगा, हड़ताल की प्रक्रिया और आगे जारी रहेगी अगर प्रशासन ने न्याय की नहीं किया तो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत सिंह के साथ प्रदीप वर्मा।